हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जी के जी एस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए टॉस का टेस्ट सीरीज 5 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर पर्सनली विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स 2021 के घटना चक्र सब के सब ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वहां पर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्स मूलर। देखिए, मैक्स मूलर जो थे ना, उनका कहना था कि आर्य जो थे वो जनरली मध्य एशिया यानी बैक्ट्रिया, मध्य एशिया का एक पार्टिकुलर एरिया था, क्षेत्र था बैक्ट्रिया, वहाँ के निवासी थे और वो मध्य एशिया से ही भारत आए थे। मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग पामीर के पठार से ही आर्य जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो ऑप्शन ए, मौर्य वंश में स्थानिक जो पार्टिकुलर वर्ड यूज किया गया है वो जिला प्रशासक के लिए यूज किया गया है। स्थानिक की अगर बात करें तो यह राज कर्मचारी का एक उच्च पद था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे और गोप जो होते थे ना, वो 10 गांवों का प्रशासन चलाते थे। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत ने। और खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इल्तुतमिस। इल्तुतमिस ने ही नियमित मुद्रा जारी की थी और इल्तुतमिस जो था ना फ्रेंड, वो गुलाम वंश का शासक था जिसका शासन काल चला 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक। बट अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तब उसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राणा कुंभा, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, की अगर बात हम लोग करें तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का शासक था राणा कुंभा। नेक्स्ट है कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? ऑप्शन सी, कालिंजर में शेर शाह की मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 ईस्वी को। नेक्स्ट, किसने कहा था स्वाद वास्तविक स्थान स्वाद का जिव्या नहीं बल्कि मन है? तो यह कथन महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करेंगे तब वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र का जो एरिया है पुणे, वहाँ पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 12 जून 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ? ऑप्शन ए, बास्तील के पतन से। नेक्स्ट, बोरोबदूर स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जावा में, या इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सिचुएटेड है बोरोबदूर स्तूप। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर पुस्तक और उनके रचनाकार का नाम दिया है, तो कपूर मंजरी की रचना हर्ष ने नहीं की थी, राजशेखर ने की थी। वहीं बी सी और डी सही मिलान है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अष्ट प्रधान नाम का मंत्री परिषद था? ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन में जनरली जो छत्रपति शिवाजी थे उन्हीं के शासनकाल में 8 मंत्रियों का एक
मतलब कि परिषद होता था जिसे अष्ट प्रधान कहते थे, और वो अष्ट प्रधान में कौन कौन से इंक्लूड थे तो आप उसे नोट कर सकते हैं, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव तथा न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था, ऑप्शन सी दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है, ऑप्शन सी कल्लर। अगर लोनी या क्षारीय मृदा की बात करें तो इसका बहुत सारा नाम है, जैसे कल्लर, रेह, उसर, राकर, धूर, चौपन इट्सेट्रा। और ये जो मिट्टी है ना, ये जनरली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा तथा महाराष्ट्र स्टेट के जो सूखे क्षेत्र होते हैं, शुष्क प्रदेश, उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के दरमियान भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सपोर्ट से किया गया था, और यह जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है, ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी को। नेक्स्ट, आइसोनेप शब्द समान वाली रेखाओं का द्योतक है, तो ऑप्शन ए मेघमयता। नेक्स्ट, भूकंप केंद्र के ठीक नीचे की बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप मूल कहा जाता है, जहाँ पर से भूकंप उठती है, जहाँ पर उसका केंद्र होता है, जहाँ पर ओरिजिन होता है भूकंप का, तो उसी को ही भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट है कि बाड़ा यानी क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो देखिए बाड़ा की अगर बात करें ना, तो जो मसाई जनजाति जो जनरली अफ्रीका में निवास करते हैं ना, तो वे लोग अपनी यानी स्वयं की और पशुओं की सुरक्षा के लिए पेड़ों की टहनियों तथा झाड़ियों से बाड़ा का निर्माण करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मसाई चारवाहे का बाड़ से घिरा गांव को ही बाड़ा कहा गया है, और मसाई जनजाति अफ्रीका महादेश के केन्या तथा तंजानिया में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि समुद्र समीर बनती है, ऑप्शन ए दिन के समय। देखिए समुद्र समीर एक्चुअल में होता क्या है, तो जब दिन के समय उच्च दाब हो जाती है तो हाई प्रेशर की वजह से सागर से स्थल की ओर पवने चलती हैं, इसी को ही समुद्र समीर कहा गया है। नेक्स्ट है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो ये म्यांमार से सबसे अधिक सीमा बना रही है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है दक्षिण गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, तो उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ है, यहाँ पर सरल करने के लिए कह रहा है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन यहाँ पर है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसको जब आप रेशनलाइज कीजिएगा √32 को, तो ये 4√2 हो जाएगा, −√18 √3 डिवाइडेड बाई √50 √5 प्लस √8 जो है वो 2√2। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर 1/7 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो बस एक बार किया गया है,
42वां संविधान संशोधन जब 1976 का हुआ उसी समय संविधानना का संशोधन किया गया जिसमें तीन वर्ड को ऐड किया गया था और वे तीन शब्द थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है और इसका वर्णन आर्टिकल 19 के का में वर्णित है। नेक्स्ट है कि संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? ऑप्शन ए, संसद के सत्र का अंत को ही समापन कहते हैं। नेक्स्ट, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर सिंपल इंटरेस्ट 18,900 रुपीज होगा। जिसका करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 20 की अगर बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 20254 सॉल्व करने पर ये आएगा। तो चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया था? तो ऑप्शन सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ना केंद्र में द्वैध शासन लगाई गई थी। वहीं 1935 के अधिनियम में प्रांतों की जो द्वैध शासन थी उसको समाप्त की गई थी। अब देखिए ये जो द्वैत शासन था ना फ्रेंड, ये द्वैत शासन में संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं और वे 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। अब ये 4 राज्यों की अनुसूचित जाति के बारे में जो प्रशासन नियंत्रण का उपबंध है वो 5वीं ना होकर 6ठी अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी, भारत में कोई वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है, इसी को ही गणतंत्र कहा गया है। नेक्स्ट है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा केरल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समता यानी समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? कृषि आधारित और खनिज आधारित वर्गीकरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को। नेक्स्ट, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि 1 रुपये के जो सिक्के और नोट होते हैं उनके अलावा जितने भी प्रकार के बड़े बड़े करेंसी या नोट होते हैं वो सब RBI के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो इस सीरीज में जो सबसे पुराना संगठन है वो है ILO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 यानी 1919 ईस्वी में की गई थी। वहीं अगर बात कर ले IMF की तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई और FAO की स्थापना यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16th ऑफ अक्टूबर 1945 को की गई। नेक्स्ट है कि किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर। नेक्स्ट, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है? विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आए। तो चलिए नेक्स्ट है कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद आर्टिकल 246 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर लगाने का अधिकार राज्य को होगा? तो ऑप्शन डी, हर राज्य अपना SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये लागू कर सकती है।
वहीं अगर CGST की बात करें यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा। तथा UTGST यानी यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये केंद्र शासित प्रदेश में लागू होगा। नेक्स्ट है कि चार पहियों की परिधि यानी पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर हैं। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया 5 पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 5 बार यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पहिया 5 बार चक्कर लगा रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए और ये सबको ऐड कर दीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 560 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत किस एक को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सरकार के बजट को। नेक्स्ट, निम्न में से किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्रीय बजट और राज्य बजट का प्रावधान है, तो आर्टिकल 112 तथा आर्टिकल 202। नेक्स्ट है कि भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 ईस्वी को किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट, दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है, तो वह प्रॉपर्टीज असंजन कहलाती है। नेक्स्ट, होलोग्राम किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को ही होलोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें ना फ्रेंड, तो यह एक जेनेटिक बीमारी है, तो जब यह अपने माता पिता दादा दादी से आ रहा है, जेनेटिक गुण है, तो ये किसी भी लेंस का प्रयोग करके हम इसे नहीं दूर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट, 13/55 का दशमलव में मान ज्ञात कीजिए, 0.236। नेक्स्ट, डाटा बेस मैनेजमेंट यानी DBMS में डाटा का सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है, मेटा डाटा के द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, ऑप्शन सी नाइक्रोम। तो चलिए नेक्स्ट है कि बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, तो ऑप्शन डी वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। अगर हम लोग कोलाइडी परिक्षेपण की बात करें ना, तो जब जल की वाष्प धूल के कणों पर संघनित होती है तो प्रारंभ में बूंदें बहुत ही छोटी होती है, इस समय नीचे की ओर इनकी सीमांत वेग इतनी कम होती है कि आकाश में ही यह तैरते हुए दिखाई देती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि एक श्वेत ठोस पदार्थ एक गर्म करने पर एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दुधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर वह श्वेत हो जाता है। तद अनुसार वह ठोस पदार्थ यानी ए ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन से समझते हैं, तो उस पदार्थ जो ए है वो है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। जब ZnCO3 को हम हीट देते हैं ना, तो वो ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो जिंक ऑक्साइड की अगर बात करें ना, तो जब ये गर्म रहती है तब तो यह पीले रंग की रहती है, बस जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होता है या थोड़ी ठंडी पड़ने लगती है जिंक ऑक्साइड, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड दुधिया बना देती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जिंक कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिरका यानी विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्या के बीच का अंतर 80 है और उन दोनों का रेशियो 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस 80 है यानी 5x-3x = 80 करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 40। अब दोनों का गुणनफल निकालना है यानी 5x × 3x, अब पुट कर दीजिए x का वैल्यू, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 24,000। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजीन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है,
तो वह है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट, निम्न में से किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता है? तो एम्फीबिया यानी उभयचर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थाई रखती है यानी शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है? तो उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो गाय, चमगादड़, चूहा, ये सब सब मैमल्स में आ जाते हैं, स्तनपायी हैं, बट सार्क जो है वो स्तनपायी नहीं है चूंकि सार्क एक मछली यानी मत्स्य वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट, लॉक जॉन निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो ये टेटनस की अगर बात करें तो इस रोग की लास्ट स्टेज है लॉक जॉ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? उभयलिंगता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? ऑप्शन सी, लाइकेन। नेक्स्ट, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10^-9 मीटर। तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 183 × 10^7 नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। तो चलिए नेक्स्ट है कि एंथोफोबिया किसका डर है? तो ऑप्शन सी, फूलों का यानी पुष्पों के डर को जो बीमारी होती है उसे एंथोफोबिया कहते हैं। वहीं अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि के डर को पाइरोफोबिया कहा जाता है तथा कुत्तों के डर को साइनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट, पेडोलॉजी किस एक के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन बी, मिट्टी का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो उसे पेडोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की अगर साइंटिफिक स्टडी की बात करें तो इसे मेट्रोलॉजी कहा जाता है। प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट की अगर साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं तथा बीच के साइंटिफिक स्टडी को कार्पोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATM यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ऑप्शन बी, क्रेब्स चक्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल में यानी एसिड में ऑक्सीजन नहीं है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। नेक्स्ट, मार्च 2020 में गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 को 20 का एबल प्राइज निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया? तो ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को यानी ग्रमी मार्गुलिस तथा हिलेल फुस्टेनबर्ग को। तो चलिए आगे बढ़ रहे 76 की तरफ कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यह एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट है कि म्यांमार की मुद्रा है? ऑप्शन डी, कयात। वहीं अगर टका की बात करते हैं तो यह बांग्लादेश की करेंसी है और रुपया जो है वो भारत सहित कई अलग अलग देशों की करेंसी है रुपया। नेक्स्ट है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, पणजी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट अंकित कीजिए। तो देखिए विश्व सुंदरी 2019 की अगर बात करते हैं ना तो ये टोनी एन सिंह को यह पुरस्कार मिला है। तानसेन सम्मान 2019 का पुरस्कार मिला है पंडित विद्याधर व्यास को। किशोर कुमार सम्मान 2018 मिला है वहीदा रहमान को तथा क्रिस्टल पुरस्कार 2020 से नवाजे गए दीपिका पादुकोण। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, कि माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे, कौन कौन से कथन सही हैं? तो ग्रेमी पुरस्कारों को संगीत जगत का ऑस्कर कहा जाता है, सही बात है। खा है कि 26 जनवरी 2020 को लॉस एंजल्स में वितरित 62वें ग्रेमी पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक 5-5 ग्रेमी पुरस्कार अमरीकी सिंगर व सॉन्ग राइटर बिली एलिस व उनके भाई फिनियास को प्राप्त हुए, सही है।
62वां ग्रेमी पुरस्कार के तहत एल्बम ऑफ द ईयर का ग्रेमी व्हेन वी ऑल फॉल एस्लिप यानी बिली एलिस को मिला, यह भी सही है। फोर्थ है कि उस्ताद जाकिर हुसैन ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे, जी नहीं, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त किया था उनका नाम था पंडित रविशंकर, जिन्होंने 1967 ईस्वी में पहली बार ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त किया, यानी सब के सब सही हैं, बट यहाँ पर है कि का खाय वम का सही है और घा पूर्णता गलत है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए चेन्नई में। नेक्स्ट, वर्तमान सरकार के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे में निम्नलिखित में से किस अधिगम को प्रयुक्त किया जा रहा है, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों को। तो चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन पूरी करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है, इंग्लैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया, निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात करते हैं, ऑप्शन बी अमेरिका को। तो चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कोमोरोस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से किसे सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी एम वेंकैया नायडू को। नेक्स्ट है कि माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में है, तो यह इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर कुल 120 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और अगर माउंट सिनाबोंग ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये सुमात्रा टापू पर स्थित है इंडोनेशिया में, जो 2010 से ही धधक रहा था, बट फाइनली ये 3 साल बाद यानी 2013 में विस्फोट हो गया। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2020 में पर्यावरण मंत्रालय ने मानव हाथी के टकराव को रोकने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, सुरक्षा। नेक्स्ट है कि लेबनान की प्रधानमंत्री कौन है, इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, ऑप्शन ए हसन दियाब। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के माथेरान क्षेत्र में BNHS द्वारा तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगर BNHS की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसकी स्थापना मुंबई में 1883 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कि गोरा और घरे बायरे के लेखक कौन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके साथ मिलकर प्रकाशित किया, ऑप्शन सी एंजल्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने जुलाई 2019 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वाली अर्थव्यवस्था को नीची आय अर्थव्यवस्था माना है, ऑप्शन बी 1025 सकल अमरीकी डॉलर। तो चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 लागू हो जाने के बाद नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की परमिशन किसके द्वारा दी जाएगी, ऑप्शन बी चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड 99 की तरफ कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के फैसले को पलटते हुए पैतृक संपत्ति में बेटी के अधिकार में बढ़ोतरी की है, ऑप्शन बी प्रकाश बनाम फूलमती। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में रक्षा खरीद परिषद पुनः सुर्खियों में रही है, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई भी नहीं। अगर रक्षा खरीद परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में नहीं बल्कि 2001 में ही हो चुकी है। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं बल्कि रक्षा मंत्री करते हैं। रक्षा खरीद मामलों पर यह संस्था केवल सिफारिश करती है, जी नहीं, रक्षा खरीद मामलों के
की अगर बात करें ना, तो यह मतलब कि हथियार खरीदने संबंधी मामला पर निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च संस्था है रक्षा खरीद परिषद। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।